दोस्तों अभी हाल ही में भारत के सेना प्रमुख वीआर चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ओडा लूप तकनीक के बारे में बताया था। दरअसल आने वाले सालों में ओडा लूप युद्ध की तस्वीर को बदलने वाला है। ओडा लूप का इस्तेमाल अमेरिका काफी लंबे समय से करता आया है। आपको बता दें ओडा लूप 4 चरणों में काम करता है। जब भी किसी देश के द्वारा अटैक होने की संभावना होती है या फिर अटैक किया जाना होता है तो उसके जवाब में काउंटर अटैक के लिए ओडा लूप का इस्तेमाल होता है, जिसके पहले चरण में दुश्मन की सीक्रेट जानकारी को एकत्रित किया जाता है कि दुश्मन के अटैक के पीछे आखिर मकसद क्या है, अटैक में उपयोग किए जाने वाले वेपन्स क्या हो सकते हैं और अटैक का प्रभाव क्या होगा। इस ओडा लूप मॉडल के दूसरे चरण में पहले चरण से प्राप्त सीक्रेट जानकारियों को बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया जाता है, जिसमें कई उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं। जब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि जो जानकारियां मिली है ये पूरी तरीके से सत्य है तो फिर तीसरे चरण में निर्णय लेने की बारी आती है। तीसरे चरण में ही यह तय किया जाता है कि जवाब में दुश्मनों पर कैसा प्रहार करना है, दुश्मन के जंगी जखीरे में किस स्तर तक की तबाही करनी है, क्या दुश्मनों पर हवाई अटैक किया जाएगा या फिर थल सेना लड़ेगी, ऐसे ही तमाम पहलुओं को तय किया जाता है। इसके बाद अंत में ओडा लूप की अंतिम चरण की बारी आती है। अंतिम चरण में टाइम के हिसाब से दुश्मनों को हिट करने के लिए एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले ओडा लूप की शुरुआत अमेरिका की एयरफोर्स के द्वारा किया गया था, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी करना शुरू कर चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक में ओडा लूप की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। ओडा लूप के अलावा भारतीय वायुसेना प्रमुख ने आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना की ताकत पूरी तरीके से स्वदेशी हथियारों पर शिफ्ट होने वाली है। आपको बता दें इस वक्त भारतीय वायुसेना 6 तरीके के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक और टाइप का लड़ाकू विमान जुड़ने वाला है। लिहाजा भारतीय वायुसेना एक अलग तरीके के लड़ाकू विमान की खोज कर रही है। MRFA-2 के तहत भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमान को हासिल करने वाली है, जिसमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX, रशिया का सुखोई 35, MiG-35, यूरो फाइटर टाइफून, F-21 और राफेल शामिल है। इन्हीं लड़ाकू विमानों में से किसी एक को भारतीय वायुसेना शामिल करने वाली है। उधर आपको बता दें अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के अंदर जिन 6 टाइप के फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सुखोई 30 MKI, डेसॉल्ट राफेल, MiG-29, जगुआर मिराज 2000 और तेजस मार्क 1 शामिल है। इनके अलावा भारतीय वायुसेना में MiG-21 भी शामिल है, लेकिन इसे आने वाले कुछ ही सालों में अंदर पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा, इसीलिए मौजूदा वक्त में इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। भारतीय वायुसेना अब तक जितने भी फाइटर जेट का इस्तेमाल करती थी उनके हार्डवेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से होने वाले युद्ध की तरकीबों में बदलाव किया जा रहा है, इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना के प्रमुख चौधरी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब जिन फाइटर जेट को सेना में शामिल किया जाएगा उनके हार्डवेयर के साथ साथ उनके सॉफ्टवेयर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है इसका होना भी अब बहुत जरूरी हो गया है। उधर दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका के दौरे पर भी गए हुए हैं और उनकी मुलाकात अमेरिका की बोइंग कंपनी के चीफ से भी हुई है, जिसके बाद F-15EX फाइटर जेट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया F-15EX फाइटर जेट ऑल वेदर में उपयोग किया जाने वाला एक ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। इस फाइटर जेट का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जैसे जैसे आने वाले दिनों में तकनीकी रूप में बदलाव किया जाएगा उसके हिसाब से ही इस फाइटर जेट को भी मॉडर्न बनाया जा सकेगा। अब राजनाथ सिंह जी के अमेरिकी दौरे के समय अमेरिका ने F-15EX का ऑफर भारत को दिया है। यह ऑफर उस वक्त आया है जब भारतीय वायुसेना 114 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रही है। ताकत की बात करें तो इसमें हाई इंटेंसिटी के रडार लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। लो फ्लाइंग जोन में उड़ने के लिए इसमें लो फ्लाइंग रडार का भी उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इसके टारगेट को और सटीक बनाने के लिए इसमें एक लेजर गाइड का भी उपयोग किया गया है, जिसकी रेंज 10 माइल्स तक की होगी। वहीं पर इसमें लगने वाले वेपन सिस्टम की बात करें तो एक बार में हवा से हवा में मार करने वाली 22 मिसाइलों को ये ले जा सकेगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकेगा। अभी फिलहाल भारत की ओर से इस विमान को खरीदा जाएगा या फिर नहीं खरीदा जाएगा इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इसी श्रेणी का भारत के पास पहले से ही सुखोई MKI एक ऑप्शन के रूप में मौजूद है। इसीलिए भारत अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार करेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने संकेत दिए हैं कि भारतीय सेना को बिल्कुल एक अलग तरह के फाइटर जेट की तलाश है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।